अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं कृति लैन और आज मैं आपको पार्क चाइना के अंदर हमारा एक बड़ा इवेंट हो रहा है उसका विजिट करवाती हूं। फ्यूलिंग फ्यूचर कैरियर एक्सपो है और ये आप देख सकते हैं मेन एंट्री गेट के बाहर में मौजूद हूं और ये हमने कस्टमाइज रेडी किया है और यहां से चलते हैं और आपको इवेंट का विजिट भी करवाती हूं। मैं इस टाइम पे जो है वॉकवे के ऊपर मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं हमने रनर लगाया हुआ है। साइड पे हमने ये जो ब्रांडिंग है, जो प्रॉप्स वगैरह इसकी, वो हमने पूरा इसको रनवे को हमने डेकोर किया है। उसके अलावा फाउंटेंस भी, पार्क चाइना इतना खूबसूरत है कि फाउंटेंस इस टाइम आप चल रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने नहीं दिखाए थे, तो ये देखें पार्क चाइना की ब्यूटी जो है वो एक अलग ही चीज़ है। तो चलें मज़ीद अंदर चलते हैं और विज़िट करते हैं। मैं इस टाइम मेन हॉल के एंट्रेंस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने ये खूबसूरत सा जो है हैशटैग लगाया है। ये इवेंट्स में बहुत यूनिक आइडिया आजकल हर इवेंट में हम यूज़ करते हैं और बहुत अट्रैक्ट करता है, क्लाइंट की ब्रांडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है इससे। और बैक पे हम इसके मीडिया वॉल लगाते हैं जिसके आगे आप पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और बड़ा अच्छा ये जो आइडिया लगता है। पार्क चाइना में जब भी कोई इवेंट होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी तो हम लेते हैं और सिक्योरिटी होती है हमारे पास, लेकिन आउटसोर्स भी हम लोग जो है कंपनी को हायर करते हैं जो कि प्रॉपर यहाँ पे लोगों को काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमने मेन हॉल के राइट एंड लेफ्ट साइड पर ब्रांडिंग की है, तो लेफ्ट साइड पर हमने जो है इस तरह का कटआउट बनाया प्रॉपर वुड का, ये हमारे फैब्रिकेटर रेडी करते हैं और बैक पे इसके भी वॉल लगाई है। ये पूरा एरिया जो है फुल आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लगता है। तो मेन हॉल के फ्रंट पे हमने लास्ट टाइम असेंबली लगाई थी और इस दफ़ा हम लोगों ने जो है बैकड्रॉप वगैरह लगाए हुए हैं, लाइट थीम दी हुई है और ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। यहाँ पे तमाम कंपनीज जो जिन्होंने एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया उनके लोगोज जो हैं यहाँ पर हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं लास्ट टाइम मैंने टॉप पर बैलून लगाए थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने यहाँ पर जो है ये ब्रांडिंग की है, बैलून इस दफ़ा हमने ऐड नहीं किए, तो बड़े यूनिक जो है इसका जो ऊपर अपर एरिया है वो लगता है। इसके अलावा यहाँ पे ये स्टॉल्स हैं और हॉल को भी हमने पूरे पिलर्स को ब्रांड किया हुआ है और ये शेल स्कीम स्टॉल हैं, इनको हमने ब्रांडिंग की है, ये भी हमारी कंपनी के अपने हैं। तो आए आपको कस्टमाइज स्टॉल्स का विज़िट करवाती हूँ। अच्छा, कुछ ब्रांड्स होते हैं वो शेल स्कीम यूज़ करते हैं छोटे स्टॉल, और बाकी जो कस्टमाइज कंपनीज ब्रांड बनवाते हैं अपने लिए, ये प्रॉपर कस्टमाइज स्टॉल है हमारा और इसको प्रॉपर फैब्रिकेशन के थ्रू रेडी किया जाता है और यहीं पे ये टेम्परेरी होता है, रेडी करके बाद में आप इसको डिसमेंटल करके रख भी सकते हैं और फिर अगेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आएँ आगे चलते हैं, विज़िट करते हैं और मज़ीद यूनिक आइडियाज़ जो हैं हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह एंड सेल्फी बूथ। तो ये एक और सेल्फी बूथ है, ये देखें बड़ी अट्रैक्ट करती है इवेंट के अंदर, आप ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं, हम लोग आइडियाज़ तो बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत ये इन्वायरमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे ये पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो हैं कस्टमाइज स्टॉल्स हैं और यहाँ पर तमाम कंपनीज जो हैं ब्रांड बैठे हुए, PSO, स्पार्को, बड़ी बड़ी जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं वो तमाम के यहाँ पर स्टॉल्स हैं। तो ये कस्टमाइज एरिया हमारा जो कि एग्जीबिशन एरिया है। यहाँ पे हॉल के अंदर पूरे जो हैं ये हमने इस साइड पे लेफ्ट एंड राइट सामने आमने जो है पूरा कस्टमाइज एरिया हमारे स्टॉल्स का, एग्जीबिशन का। अब मैं लेके चलती हूँ आपको जो ग्राउंड फ्लोर का हॉल है उसके अंदर भी एग्जीबिशन एरिया हमारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने ब्रांडिंग की है हॉल के बाहर। छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत अट्रैक्ट करती हैं, आप ब्रांडिंग करते हैं तो जब भी इवेंट के अंदर जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग होगी, जितनी ज़्यादा आप कस्टमाइज चीज़ें करेंगे तो उतना ही इवेंट जो है आपका लुक अच्छी देगा। मेन हॉल के अंदर आप एंटर होते हैं उसके साथ ही ये अटैच हॉल है, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने डिनर अरेंज किया था और इस दफ़ा हम जब एग्जीबिशन होती है तो यहाँ पे भी स्टॉल्स रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सारी कस्टमर स्टॉल जो हैं यहाँ पे भी डिस्प्ले हैं, बड़ी ज़बरदस्त जो है कंपनी की तरफ से पार्टिसिपेशन है और बड़ा देखें आप पुरसकून और डिसेंट जो है ये चल रहा है। कल बहुत ज़्यादा रश था, वीडियो भी नहीं मैं बना सकी कल के डे में, आज लास्ट डे इसका एंडिंग टाइम है और हम व्लॉग बना रहे हैं। तो कल यहाँ पे बहुत क्राउड आया था, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स खास तौर पे बहुत ज़्यादा आए थे। सो हॉल की बैक साइड पे यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो है डिनर अरेंजमेंट किया था, इस दफ़ा यहाँ पे मोस्टली जो ज़्यादातर एग्जीबिशंस होती हैं ये फूड कोर्ट एरिया यूज़ होता है। आप देख सकते हैं तमाम लोग, इस टाइम लंच ब्रेक चल रही है तो फूड के स्टॉल्स जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं और प्रॉपर यहाँ पर जो है फूड यहाँ पर सर्व हो रहा है। तो ये भी एक मज़े की चीज़ होती है, जब भी आप कहीं एक्सपो इवेंट वगैरह करें अगर फूड वगैरह आप नहीं दे रहे तो ख़ास तौर पे जब भी आप स्टॉल्स फूड के लगाते हैं तो ये बड़ा अच्छा जो है लाइक किया जाता है, लोग रुकते हैं इवेंट पे, खाते पीते हैं
और फिर इवेंट को अच्छे से इंजॉय भी करते हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूर आप लोग ऐड किया करें। मोस्टली इवेंट को मैं देखती हूँ कि वहाँ पे फूड कोर्ट्स नहीं होते। और ये है मेन ऑडिटोरियम हॉल पार्क चाइना का, जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज वगैरह और कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। और यहाँ पे हमने असेंबली स्क्रीन लगाई है, नीचे प्लेटफॉर्म लगाया है, और ये हमने साइड वॉल्स रोस्टम, और जो साइड के ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं वॉल्स लगी हैं। इसके पीछे पार्क चाइना के जो है अपने वो स्क्रीन छोटी लगी होती है, लेकिन हमने उसके आगे ये ब्रांडिंग कर दी है और ये बड़ा अच्छी लुक दे रहा है। हमने इसको पूरे को यूटिलाइज़ किया इस दफ़ा। पूरा इवेंट विजिट करवा दिया। होपफुली आपको ये हमारा इवेंट का जो सेटअप है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट इवेंट की वीडियो के साथ, और तब तक के लिए कुरतलैंगद इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।